क्वेश्चन नंबर 20, ए करंट ऑफ 78 मिली एम्पियर प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री इन 10 इंच गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल ऑफ मेन रेडियस 11 सेंटीमीटर फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल गिवन BH इज इक्वल टू 0.32 गॉस है ना। देखिए करंट के लिए क्या दिया है, करंट ऑफ 17 मिली एम्पियर है ना, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लीजिए, तो मिली को एम्पियर में बदलने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और क्या है, डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है, 45, डिफ्लेक्शन पीरियड 45 डिग्री है, और मीन रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू कह रहे हैं 11 सेंटीमीटर, जिसको मीटर बदल लीजिए तो 11 × 10^2 हो जाएगा ना। और फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालना है कॉइल में, और हाइड्रोजन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिक फील्ड कह रहे हैं 0.32 g, g मतलब गॉस, ठीक है। तो गॉस को टेस्ला में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10^-4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 गॉस = 10^-4 टेस्ला, ठीक है। ये आपका मैट्रिक फील्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिक फील्ड ना। तो देखिए इन मूविंग कॉइल इन गैल्वेनोमीटर, इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बताओ, इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू BS tan थीटा, BS tan थीटा ना, ठीक है। तो मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गैल्वेनोमीटर कॉइल, तो मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस बाय मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल है गैल्वेनो, इसको किसके बराबर होगा, BS tan थीटा, BS tan थीटा ना, वही BS इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिक फील्ड, थीटा इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, थीटा क्या डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल क्या होता है, मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल है V0 Ni/2A होता है ना, ठीक है। या आपने रेडियस आ गया तो आर निकल गया हुआ, ठीक है, इसको टू BS tan थीटा, आपको क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, n को एक तरफ कर लीजिए और सब को दूसरी तरफ ले लीजिए, तो n इसको क्या हो जाएगा, BS × 2R डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया अपॉन V0 I × tan ऑफ थीटा ना। तो BS की वैल्यू कितना है, BS की वैल्यू 32 × 10^-6 × 2 × R, R की वैल्यू कितना है 11 × 10^-2, ठीक है, अपॉन मीजर वैल्यू क्या है, मीजर वैल्यू 4π × 10^-7 2 BH tan θ अपान V0 I, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीजर वैल्यू, रख दिया मैंने मीजर वैल्यू 4π × 10^-7 × R, तो BH की वैल्यू कितना होता है 32 × 10^-6 है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 2 हो गया। R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू कितना है बताओ, 11 × 10^-2 ये दिया मैंने, ठीक है, ये वाला 2 हमने यहाँ लिया, ये 2 हमने कहाँ लिया, देखिए 2 BH है, जब 2 लिख दिया मैंने, BH की वैल्यू 32 × 10^-6 है, यहाँ देखिए ना, ये लिख दिया मैंने, और
10 ना 45 हो जाएगा, 10 ना 45, ठीक है, अपॉन 4 पाई, पाई कितना है 3.14 या 22/7 लेते हैं, 22/7 और इनटू 10 इक्वल माइनस 7 आई आई को कितना है आई को 17 इनटू 10 इक्वल माइनस 45, ठीक है ना। तो देखें ये 7 ऊपर चले जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 64 44 7। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएंगे 88 हो जाएंगे, 22 इंटू 4 88 हो जाएगा और 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 64 हो जाएगा, 7 आपको ऊपर चले गया इंटू 11 हो जाएगा है और अपॉन 17 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 इंटू 4 -6 -2 +7 +3, ठीक है, ये हो गया। नीचे आपका पावर में
त्रिज्या जो है 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 माइनस 2 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज पावर 2 80 और प्लस 10 भी है ना, तो माइनस में हो जाएगा कितना, ये प्लस ये 10 भी यहाँ हो जाए ना, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएंगे 8 इंटू 10, तो 8 इंटू 10 क्या होगा, 8, ठीक है, आप 17 बोल रहे थे, 17 में बिजनेस का भी करेंगे, 80 टन्स होंगे,